को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल स्टूडेंट्स, जो भी है प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा होना जरूरी अभी है देन आप स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस. नो, आप आइडिया लेके रखो, बस आइडिया और नॉलेज कभी भी आपका वेस्ट नहीं होता है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के वीडियो को. Dear Sports Infotech, my name is Ankit Sharma and you're watching the one and only Sports Infotech. So I welcome to the new video to all of you. So मेरे को YouTube पे एक आया था कमेंट दो तीन दिन पहले, ठीक है. Someone was asking me कि सर टॉप 5 बिजनेस बताइए स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. मेरे को स्पोर्ट्स बिजनेस करना है तो टॉप 5 बिजनेस आइडियाज क्या हो सकता है, आप एक उसके ऊपर वीडियो बना दो. सो ठीक है, सो आज ये वीडियो है. सो टॉप 5 बिजनेस आइडियाज मैं तुम लोगों को बताऊंगा. सो इस वीडियो को एंड तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. इन केस यू वॉचिंग मी न्यू, सो माय नेम इज अंकित शर्मा, आई एम द होस्ट ऑफ स्पोर्ट्स इन्फोटेक. आई मेक वीडियोस रिगार्डिंग स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो आपको श्योरली हेल्प करता है टू बिकम अ बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. करने से पहले आई वांट टू टेल यू ईच वन ऑफ यू, जो भी स्पोर्ट्स बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना है आपको, ठीक है. यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, मैं आपको कुछ बता देता हूँ पॉइंट जो बहुत जरूरी है आपको जानना, ठीक है. तो सबसे पहला है मार्केट रिसर्च एंड प्लानिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स बिजनेस स्टार्ट करें इंडिया में, आपको सबसे पहला चीज देखना होता है कि कॉम्पिटिशन आपका कौन है. सेकेंड हो जाता है कि आप किस एरिया में कर रहे हैं, ठीक है. ये आपको दो चीज जानना बहुत जरूरी होता है. तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, इसीलिए आई हैव रिटन मार्केट रिसर्च एंड प्लानिंग. आपको अपना कॉम्पिटिशन जानना है, आप किस एरिया में कर रहे हैं वो देखना है आपको, और आपको प्रॉपर एक प्लानिंग करना है पहले कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं. तो आपको ये सब चीज पॉइंट जान के रखना बहुत जरूरी है, ठीक है. सेकंड पॉइंट है फाइंड अबाउट द कॉम्पिटिटर्स. आई टोल्ड यू ऑलरेडी, कॉम्पिटिटर्स आपका बहुत जरूरी है. आपको देखना पड़ेगा आसपास में कि आपके साथ कौन कौन सेम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है. जो सेम काम कर रहे हैं आपका बिजनेस में, उन लोग ऐसा क्या कर रहे हैं अच्छा कि जो आप और अच्छा कर सकते हैं अपना कंपनी में. एक कंपनी अच्छा काम कर रहा है तो आप उसमें और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं जो आपका कंपनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा. आइडेंटिफाई द नीच. आप कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा नीच कि मेरे को स्पोर्ट्स का जिम खोलना है. जैसे कि आपको जिम खोलना है तो मेरे को जिम ही खोलना है और कुछ मेरे को नहीं खोलना है. तो एक चीज को फोकस आपको करना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि आप जिम खोल दिए हैं देन आप दो दिन बाद फिर स्विच हो गए हैं कि मेरे को स्पोर्ट्स का खोलना है टर्फ. ऐसा नहीं हो सकता है. आपको एक चीज में ही अपना इन्वेस्टमेंट, अपना टाइम, अपना एनर्जी एक चीज में ही फोकस करना पड़ेगा. इसीलिए आई हैव रिटन कि आइडेंटिफाई द नीच. नीच काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत कोई स्टार्ट कर लेते हैं बट दो तीन दिन बाद, एक महीना बाद, एक साल बाद अपना माइंड को चेंज कर लेते हैं, बोलते हैं कि ये बिजनेस बेकार है, मेरे को और नया स्टार्ट करना है. ऐसा नहीं है. आप जो बिजनेस में टाइम दे रहे हैं उसमें टाइम दीजिए, टाइम लगेगा बट वो बिजनेस आपका अच्छा से स्टार्ट हो जाएगा. फिफ्थ पॉइंट है टेक केयर ऑफ फंडिंग. फंडिंग का भी आपको अपना सब कुछ मैनेजमेंट करना पड़ेगा. कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है. कोई भी आप स्पोर्ट्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका फंडिंग मैनेजमेंट काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. कितना खर्चा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना आप हर दिन खर्चा कर रहे हैं, साल में कितना खर्चा हो रहा है, ये सब आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स बिजनेस में. जितना अच्छा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपका टाइम बचेगा और आप अच्छा से स्मूथली काम कर सकते हैं अपना स्पोर्ट्स बिजनेस में. पहले आपको बता दिया था तो ये पॉइंट फिर से है. लुक फॉर एन आइडियल स्टोर लोकेशन. आपका लोकेशन जो होना चाहिए वो एकदम सिटी सेंटर के बीच में होना चाहिए. अब जो सिटी से देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको एकदम प्राइम लोकेशन में आपको ट्राई करना है कि अपना बिजनेस खोलने के लिए, या तो कोई ऐसे एरिया में आपको खोलना है जहां पे पहले से कोई कंपटीशन है ही नहीं आपका. ये चीज हो गया, ठीक है. और अगर आप कोई टाउन से या कोई डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं तो आपको ऐसा जगह खोलना है कि जहां पे लोगों का भीड़ ज्यादा हो, ठीक है. ऐसा नहीं कि आप कोई ऑफ एरिया में खोल दिए जहां पे कोई भी इंसान जाता ही नहीं है, तो वहां पे आपका बिजनेस एकदम नहीं चलेगा. आपको अच्छा लोकेशन डिसाइड करना बहुत जरूरी है फॉर योर बिजनेस इन स्पोर्ट्स. कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है. वो रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो. वो सब चीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है. वो सब चीज आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन फॉर ओपनिंग एंड बिजनेस का कुछ एक सर्टिफिकेट होता है, शायद वो चीज आपको इशू करना पड़ेगा फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वो मिल जाएगा, बेटर है बिकॉज ऑफ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अपना बिजनेस ओपन कर रहे हैं, ठीक है. होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा सो वेट करो सो टू, जहां पे हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं ये आइडियाज बिजनेस में, ठीक है. सो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड. उसके लिए सब्सक्राइब करके रखो, शेयर करो एंड लाइक करते रहो. नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है एंड वहां पे हम लोग बात करेंगे टॉप 5 बिजनेस आइडियाज जो आप स्टार्ट कर सकते हैं इन एनी राइट नाउ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू नेक्स्ट वीडियो. तब तक प्लीज स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड विश यू ऑल द बेस्ट.